अगर मैं अपना फोन नहीं भूलती तो मुझे ये सब कभी पता नहीं चलता। दादाजी, माँजी, आप सबको अचानक से क्या हो गया कि अपने ही बेटे के साथ विश्वासघात करने के लिए तैयार हो गए? बिटिया, समझने की कोशिश करो, हमने ये कदम उठाया है तो कोई वजह तो होगी ना। मुझे कोई वजह नहीं समझ नहीं है इसमें दादाजी। आओ हमारे साथ, हम तुमसे अकेले में बात करना चाहते हैं। देखो बिटिया, हम परिवार के मुखिया हैं, है ना, यही से हमारे पास कुछ अधिकार हैं कि हम परिवार की भलाई के लिए कुछ कर सकते। इसे हमने केस वापस लिया है बिटिया। नहीं दादाजी, मैं जानती हूँ कि ये वजह नहीं है। कल से आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। दादाजी, ऐसी क्या वजह है जिससे आप केस वापस लेना चाहते हैं? तो मेरे बारे में सोच रहे हैं बिटिया। मेरे बारे में सोच कर क्या मतलब है दादाजी, जब आप मेरी सोच को ही झुटला रहे? नहीं, हम कुछ नहीं झुटला रहे हैं। हमें लगातार धमकी मिल रही है, तुम्हारी जान को खतरा है बिटिया। सरोजनी से बोल दो कि वो ये केस वापस ले ले, नहीं तो मारे जाएगी पति की तरह। और अगर तुम्हारी बहू केस वापस नहीं लेगी तो उसे उसके पति के पास भेज देंगे। इस सब को हम कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? और फिर बिटिया, अब इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी शक्ति नहीं है कि हम किसी और अपने की अर्थी को कंधा दे सके। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला है जो मेरी इतनी चिंता करता है। लेकिन दादाजी, मैं सुमेंद्र के हत्यारे की तलाश करने से खुद को नहीं रोक सकती। हमका डर तुम्हारी जिंदगी को लेकर है बिटिया। हम जानते हैं कि केस वापस लेने के अलावा और कौन चारा नहीं है। दादाजी, मैंने आपसे ही सीखा है, अगर इंसान सच के साथ हो तो कोई ना कोई रास्ता उसके लिए जरूर निकल आता है। क्यों ये सरोजनी कोई रास्ता नहीं छोड़ती? अरे क्या हो रहा है यहाँ पर? पुलिस इतनी खाली है क्या जो घर घर में मीटिंग करवाती फिरेगी? हमें और भी केस हैंडल करने हैं, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। अब आपको और इंतजार करने की जरूरत नहीं है इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, हमें माफ करना, हम ही केस वापस नहीं लेना चाहते। आपको मजाक लगता है सर? अभी एक मिनट पहले आप कह रहे थे कि आप ये केस वापस लेंगे और अब कह रहे हैं कि अब ये केस वापस नहीं लेंगे। पुलिस आपके लिए मनोरंजन है क्या? एक मिनट, ये देखिए, हम ये जो कर रहे थे दबाव में कर रहे थे, हमें धमकियां मिल रही थी, इसी वजह से हम केस वापस लेना चाहते थे। बाकी सरोजनी बिटिया सही है, हम अपराधियों को अब छोड़ेंगे नहीं। काहे छोड़े, हमारे संग पुलिस, कोर्ट, कचहरी सब है। हम लड़ेंगे अपराधियों के साथ। बाकी आपसे विनती है, हमें आप पुलिस की सुरक्षा दे दीजिए।
ताकि इन खतरों से हम सरोजनी बिटिया को बचा पावे। ठीक है, हम दो पुलिस वाले छोड़कर जा रहे हैं, वो आपके घर के बाहर रहे। तुम लोग घर के बाहर रहना। अच्छा, मैं चलता हूं। धन्यवाद। जी, इस पैकेट पर तो लिखा ही नहीं है कि पैकेट किसने भेजा है, लेकिन हम इस गुनहगार तक पहुंच सकते हैं। माँ जी, इस कुरियर कंपनी में जाकर हमें पूछना होगा कि ये कुरियर कहां से आया और किसने भेजा। और जो धमकी वाले फोन आ रहे हैं ना, मैं अभी टेलीकॉम ऑफिस में फोन करके पूछती हूँ। वो जानकारी दे देंगे, वो बता देंगे हमें कि ये फोन कहां से आ रहे हैं और कौन कर रहा है। हेलो जी, मेरा लैंडलाइन नंबर है 02657013। दरअसल मुझे कुछ जानकारी चाहिए थी। 2 घंटे पहले मेरे इस लैंडलाइन नंबर पर एक फोन आया था। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ये फोन कहां से आया था और किसने किया था? उसका नंबर क्या था? I'm sorry ma'am, मैं आपको ऐसी कोई भी जानकारी नहीं दे सकता। ये नंबर तो मैं पता करके रहूंगी माँ जी। पहले मैं कुरियर वाले के ऑफिस में जाऊंगी, उसके बाद टेलीकॉम ऑफिस में। अब देखिएगा माँ जी, इस गुनहगार तक मैं कैसे पहुंचती हूँ। चाची जी, मैं जानता हूँ उन सब के पीछे आपको याद है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। उस सरोजनी ने हमारे लिए और कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। और तुम्हें पता नहीं रिशम कि टाइम निकलता जा रहा है और हम में इतने पेशेंस नहीं है कि हम उस सरोजनी को अपनी फैमिली के इतने करीब होते हुए देख सके। चाची जी, लेकिन ये तरीका सही नहीं था। आई डोंट एग्री विद यू, आई एम सॉरी। ये तरीका सही नहीं था? हाँ ऋषभ, गलत और सही हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ इतना पता है कि हमारे लिए हमारी फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट है। सरोज, उसके परिवार वाले, उनका क्या? इतना बड़ा धोखा, जो तरीका था ना चाची जी। धोखा ऋषभ? तुम हमें धोखे की बात समझाओगे? धोखा तो तुम भी दे रहे हो उनको ऋषभ। और आज ऐसा क्या हो गया कि तुम अपनी फैमिली को, अपने परिवार को भूल के उसकी फैमिली को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो? बात क्या है ऋषभ? कोई बात नहीं चाची जी। क्या बात? बिल्कुल कोई बात नहीं। और आप बिल्कुल ऐसे मत कहिएगा कि मैं उसे प्यार करने लगा हूं या कुछ। ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो हो ही नहीं सकता। आपकी वजह से मेरी मुस्कुराहट लौट आई। ऋषभ,
नहीं कुछ नहीं, सॉरी। अच्छा जरा ये अचार चक्के बताओ ना कैसा बना, प्लीज। जरा चक्के क्या, पूरा चक्के बता दो। मीठा है? मीठा है? ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो खट्टा अचार बनाया था। शायद तुमने अपने हाथों से बनाया ना, शायद मीठा हो गया। आप ये केस मेरे लिए वापस लेने जा रही थी ना? हाँ। बेटा, सुमेंद्र के लिए न्याय दिलाना हम सबके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन सुमेंद्र को न्याय दिलाने की खातिर हम तुमको नहीं खोना चाहते। हमारे बच्चों के जाने के बाद आखिर तुम ही तो हमारे जीने का सहारा बनी हो। अगर हम जिंदा है ना तो तुम्हारी हिम्मत से, तुम्हारे हौसले से, या तो अपने बच्चों के जाने के बाद या तो पागल हो जाते या कुछ कर बैठते। से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है सरोजनी। अगर हमरा सुमेंद्र ये सब देख रहा होगा ना तो वो भी यही कहेगा कि हम तुम्हारे लिए जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। अरे तुम हमारी सिर्फ बहू नहीं हो सरोजनी, हमारी बेटी हो, हमरा हमरा बेटा हो। आज तुम्हारे कारण ही हमारा ये घर टिका हुआ है, अगर तुमने होती ना तो सब कुछ टूट के बिखर जाता। तुम हमारे घर का आधार हो, स्तंभ हो, और हम तुम्हें नहीं रहने देंगे। हमारे बचवा की खातिर अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हो, उसकी मौत के बाद भी तुम्हारे प्यार में जरा सी कमी नहीं आई। एक तरफ तो तुम उसके कातिलों को सजा दिलवाने में लगी हुई हो और दूसरी तरफ उसका सपना पूरा करने जा रही हो। अरे ये तो हमरे सुमेंद्र बचवा का सौभाग्य था कि उसको तुम जैसी पत्नी मिली, और हम सबका भाग्य है कि हमको तुम्हारे जैसी बहू मिली। और हम अपना ये भाग्य खोना नहीं चाहते। तुम ही हमारा सुमेंद्र हो। ये आप क्या कर रहे हैं मेरे साथ? नहीं प्लीज बताइए ना, क्या कर क्या रहे आप मेरे साथ? ये मतलब मेरी जिंदगी में उलझने कम है, कैसे और उलझा रहे हो? चाची जी को मैंने समझा दिया, लेकिन खुद को कैसे समझाऊं? खुद
उससे कैसे छूट पाऊंगा? उसके प्यार में पड़ रहा हूं मैं, पता नहीं कैसे क्या, लेकिन कुछ तो हो रहा है मुझे। जब देखता हूं मुस्कुरा रही तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। वो मुझे दोस्त मानती है, और जब उसे पता चलेगा कि प्लीज 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 मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मेरे दिल और दिमाग में उसके लिए जो जो बढ़ रहा है ना, प्लीज उसे बढ़ने मत दीजिए। मेरी जिंदगी ना उलझी हुई है, उसे और मत बुझाइए, प्लीज प्लीज। चले गए? हाँ, झुमकी भी नहीं है, कई दोनों कमरे में तो नहीं है। देखते सही है ना? अच्छा था। अच्छा तो अब दूसरा चुटकुला मैं तुम्हें सुनाऊंगा। समा जी यहाँ क्या कर रहे हैं? अच्छा ये चुटकुला सुनो। एक बहरा जो है रोड के इस साइड आ रहा है, दूसरा बहरा रोड के उस साइड जा रहा है। ये बहरा उस बहरा से बोलता है, क्योंकि भाई क्या बात है, मार्केट जा रहे हो? कहता नहीं नहीं मैं मार्केट जा रहा हूँ। कहता अच्छा अच्छा लग, मुझे लगा तुम मार्केट जा रहे हो सही है ना पूरा ना मानिएगा दीदी, आप भी हंसिए ना, कितना अच्छा चुटकुला था, सब बड़े मजा किया है। लगता है दीदी को ये चुटकुला पसंद नहीं आया, कोई नया सुनाइए ना। अरे नहीं नहीं, इसको जोक सुनाकर कोई फायदा नहीं है, इसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही खराब। पूरा ना मानना साहब, ये सेंस ऑफ ह्यूमर होता का है? हमें भी तो बताइए, हम भी थोड़ा ठीक कर लेते हैं, ताकि आप सब देखे तो देखने में अच्छा लगे। अरे नहीं नहीं, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर तो बहुत अच्छा है, जगह पर है। क्या है ना कि इसको जोक सुनाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, खामखा मूड खराब हो जाएगा। समझी चाय? चाय? अरे तुम चाय क्यों बना ली? तुम्हें पता है ना मुझे झुमकी के हाथों की चाय पसंद है। नहीं, चाय तो मेरे लिए झुमकी ही बनाएगी। क्या झुमकी है? तुम ये चाय ले जाओ, मैं नहीं पीऊंगा। देखा ये फिर चलेगी, मैंने तुम्हें बोला था नहीं ऐसी। खैर छोड़ो इसको, एक और चुटकुला तुम्हें सुनाता हूँ। उसके प्यार में पड़ रहा हूँ मैं, पता नहीं कैसे क्या, लेकिन कुछ तो हो रहा है मुझे। जिस बात का हमें डर था आखिर वही हुआ। हम शुरू से देख रहे थे कि ऋषभ के दिल में सरोजनी को लेके एक सॉफ्ट कॉर्नर है, और एक ना एक दिन ये सॉफ्ट कॉर्नर प्यार में बदल जाएगा। अगर ये हो गया तो ऋषभ सरोजनी को सब कुछ बता देगा। हम ऐसा नहीं होने दे सकते, अगर ऐसा हो गया तो हमारा सारा का सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। लेकिन हम क्या करें, सरोजनी है ही ऐसी कि हम ऋषभ को कितना भी रोकने की कोशिश करें, he will fall in love with her। वो सरोजनी के प्यार में पड़ ही जाएगा। हम क्या करें, हम क्या करें? हेलो,
हेलो राघु, हेलो, आप सरोजनी बोल रही है ना? जी। देखिए, हमारी कंपनी पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटिंग का काम करती है, बड़े पैमाने पर माल चाहिए हमें, इसलिए हम आज ही आपसे मिलकर ये डील फाइनल करना चाहते हैं। ठीक है, बताइए तो मुझे कहाँ मिलना है? बेला जानती है ना आप, ये लखनऊ इलाहाबाद रूट पर है। देखिए, मैं जहाँ हूँ वहाँ से आते आते मुझे 4 घंटे लगेंगे, इसलिए आज तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। नहीं आ सकती? अगर आपको ये डील चाहिए तो आपको आज ही हमसे मिलना होगा। आप बिजनेस में नहीं है इसलिए आपको समझा रहा हूँ। I'm really sorry, लेकिन आज मैं नहीं आ पाऊंगी। हेलो, हाँ सरोजनी ने क्या कहा? कह रही थी कि लोकेशन बहुत दूर है इसलिए आज नहीं आ सकती, लेकिन फिर भी मैंने उसे अपने तरीके से कन्विंस करने की पूरी कोशिश की है पर वो नहीं मानी। ठीक है, तुम हमारे नेक्स्ट कॉल का वेट करो, हमें अब ये काम किसी और तरीके से करना।